हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम इन माय क्लासेस। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वी नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन बीपीएन। ओके, सो उसको देखना ज़रूरी है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जो नेटवर्क है, आप देख सकते हो पूरा एक नेटवर्क, आपको बोल सकता हूँ मैं नेटवर्क है ये। तो कैसा होता है, इसमें एक सिंगल लेयर देख रहे हैं आप, हिडन लेयर देख रहे हो, और ये क्या है, आउटपुट लेयर्स है, और ये आपके बायसेस हैं। सो दीज ऑल टू दीज टू आर बायसेस, बायसेस आर कनेक्टेड टू द ईच ऑफ द न्यूरॉन इन आउटपुट लेयर, इन हिडन लेयर। ओके, सो हिडन लेयर्स, देखिए हिडन लेयर है, कई सारी हिडन लेयर्स हो सकती हैं इसमें, जरूरी नहीं है सिंगल हिडन लेयर हो, ठीक है। तो इसमें कई सारी हिडन लेयर्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अब ये जो आपका बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क आ गया, क्यों ऐसे क्यों बोला, ऐसे बीपीएन क्यों बोला गया, सो ये समझना बहुत जरूरी है कि बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क क्यों बोला गया ऐसे। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम जो पढ़ते थे वो क्या करते थे कि आप जाते थे फीड फॉरवर्ड करते थे, कैसा फीड फॉरवर्ड, एक्स वन से गए हिडन लेयर, हिडन लेयर से कैलकुलेट किया, गए वाई वन पे और आउटपुट अपने चेक किया टारगेट पे, फिर हम लोगों ने क्या किया, अपडेट किया। अभी क्या है, यहाँ पर क्या करना है कि एक्स वन से जेड वन जाएंगे, ठीक है, और हम जो भी नेट निकला जेड वन पे आया वो इसके लिए इनपुट हो गया। देखिए आप इसके लिए आउटपुट निकाल रहे हैं जेड वन के लिए, ठीक है, जेड वन के लिए क्या हो गया, वही चीज़ जो एक्स वन से निकल रही है वो इसके लिए हो गया इनपुट, ठीक है। एंड इनपुट लेकर उसने अपना आउटपुट दिया, लेकिन वो जो आउटपुट था वो वाई वन के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। अभी ये जो लेयर है ना, अगर मान ली हिडन लेयर होती तो उसके लिए ऐसा होता, लेकिन बट वाई वन यहाँ पर ये सब क्या लेयर, ये लेयर आ गई आपकी आउटपुट लेयर आ गई। फिर समझाता हूँ, एक्स वन से निकला ये जेड वन के लिए इनपुट हो गया, जेड वन से निकला फिर यहाँ पर आके आउटपुट हो गया इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये V1, V2, VN, ये सब जो चीज़ें हैं, मैं डीप में क्यों समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है जब आप एल्गो पढ़ोगे। सो बहुत इजी है, आप इसको टफ मत समझिएगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। V1 और W1 ये क्या है, वेट्स हैं। तो V1 ये सारे जो आप दे रखे हैं, V11, ये V1P, V1J, अभी I दे रखा हुआ है, तो IJ, I1, IP इस तरीके से दे रखा हुआ है। तो अभी या तो वन, ये खैर वन दे रखा हुआ है, तो वन जे ये सब सारे, ये जो भी चीज़ें दे रखी हैं बी से, ये सारी चीज़ें क्या है, वेट्स हैं। तो दीज ऑल आर वेट्स बिटवीन द इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर्स, एंड दीज डब्ल्यूज आर द वेट्स बिटवीन द हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर्स, राइट। सो एंड दीज ऑल टू आर बायसेस, ओके। सो आप इसको भी समझ सकते हो, यहाँ पर ओ से दिखाया गया है, O1, OJ, OP, ओके, WO1, WOK, WOM, राइट। सो अभी करते क्या, प्रोसीजर समझते हैं इसका। पहले हम इस तरीके जाते हैं, फीड फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं टारगेट से मैच करता है तो ठीक, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं बैक प्रोपगेट करते हैं इसे, ठीक है, सॉरी, बैक प्रोपोगेट करते हैं। एंड बैक प्रोपोगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से फीड फॉरवर्ड करते हैं, राइट। बैक प्रोपोगेट पूरा इनपुट लेयर तक करते हैं, इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, बैक प्रोपोगेट करने के बाद फीड फॉरवर्ड करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा अब टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप पैरामीटर्स भी देख सकते हो, ये पैरामीटर्स दे रखे जो भी हम यूज़ करने वाले टर्म्स, उनके बारे में लिखा है कि अल्फा क्या होता है, लर्निंग रेट होता है, ठीक है। एंड जो एस जे होगा एरर होगी, जो कि क्या होगा, हिडन लेयर पे होगी। इस तरीके से एस के जो है वो एरर क्या है, आउटपुट लेयर पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप एक बार देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वेट्स को, फीड फॉरवर्ड करेंगे, फिर बैक प्रोपोगेट करेंगे एरर के लिए, फिर अपडेट करेंगे वेट एंड बायस को, और नॉर्मलाइज जो भी हमारा नॉर्मल सिस्टम में हम मिनिमाइज कर सकते हैं स्क्वायर एरर को, वो सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो अभी बहुत ही बेसिक सा है, अभी बस समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर ठीक है, फाइनल तक आपको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तक आपको मैं इसका एक समी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बैक प्रोपोगेट नेटवर्क बात करते हैं, तो ये क्या है, बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क जो होता है वो एक मल्टी लेयर नेटवर्क होता है। मल्टी लेयर कैसे, मल्टी लेयर इसलिए क्योंकि इसमें 1, 2, 3 लेयर्स है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, मोर देन 3 लेयर्स भी, क्योंकि बिकॉज हिडन लेयर अभी फिक्स नहीं है कि एक ही होगी या दो होगी या तीन होगी, कितनी बस होती हैं। सो कई सारी मल्टी हिडन लेयर्स हो सकती है इसमें, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बोल सकते हैं। सो बैक प्रोपेगेशन क्या हो गया, मल्टी लेयर तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क हो गया। सो अगर मान लीजिए आपका बीपीएन आता है तो आप इस तरीके से आप पूरा आर्किटेक्चर बना सकते हो, पैरामीटर्स लिख सकते हो, इसके बाद इस तरीके से छोटा प्रोसेस लिख सकते हो कि इस तरीके से काम होता है। इसके बाद आप लिख सकते हो उसके कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने लिखे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क क्या होता है, एक मॉडल होता है जो कि क्या होता है, वो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या करते हैं, मल्टी एक मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम फीड फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, देखिए फीड फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, कई सारे लेयर्स के थ्रू जा रहे हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिसेंट ग्रेडियंट जो तुम्हारा बेस अल्फा लर्निंग होता है उसको भी यूज़ करते हैं यहाँ रूल को, ठीक है। बताता हूँ क्या होता है, थोड़ी देर रुकिए, बताता हूँ मैं क्या होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बैक प्रोपेगेशन रूल भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। हम इससे क्या करते हैं, जो स्क्वायर्ड एरर होता है उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, जितना हो सकता है मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम पूरा मिनिमाइज़ कर पाएंगे,
हो भी सकता है नहीं भी सकता है, तो इट मिनिमाइज दैट स्क्वायर्ड एरर ऑफ आउटपुट कंप्यूटेड बाई एन नेटवर्क्स. ओके सो इट फॉलोज सुपरवाइज लर्निंग. तो ये सुपरविजन लर्निंग के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें सुपरवाइज लर्निंग होती है, नोन क्लासेस होती हैं, टारगेट पता होता है हमको, ठीक है. स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होते हैं, इसमें हम डिसेंट ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, और इसमें ये एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. इसमें क्या करते हैं, पहले स्लाइस करते हैं वेट को, फिर फीड फॉरवर्ड जाते हैं, फिर फीड फॉरवर्ड जाते हैं, इसके बाद जाते हैं बैक फॉरवर्ड, बैक प्रोपोगेट करते हैं, इसके बाद अपडेट करते हैं वेट एंड बायोस को, और हमारा टोटली क्या हो जाता है कि मिनिमाइज हो जाता है हमारा स्क्वायर एरर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है. खैर अब हम जाते हैं एल्गोरिथम पे. नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि ये सारी एल्गो को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. पहले इसका समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा हुआ कहीं भी कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा हुआ, तो उसको समझते हैं अच्छे से. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% गारंटी है कि आपके पेपर में ये आएगा और आता है, ठीक है. ओके सो इनिशियलाइज कर लीजिए पहले वेट को, स्मॉल रैंडम वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं. पहले पहला नंबर हमारा क्या है कि इनिशियलाइज कर लीजिए, सेकंड नंबर पे स्टॉपिंग कंडीशन चेक कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे हम पेयर के लिए 4 to 9 जाते हैं, ठीक है. थर्ड नंबर 4 to 9 जाते हैं पेयर्स के लिए. फिर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी हमारी जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, हमारे यूनिट्स के थ्रू रिसीव हो रहे हैं. तो हमें क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, जो भी एक्साइज सिग्नल आ रहा है वो ट्रांसमिट करना है सिग्नल को सारी यूनिट्स की तरफ, ठीक है. सो ईच इनपुट यूनिट रिसीव्स द सिग्नल यूनिट एंड ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स एक्साइज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ऑल यूनिट, राइट. तो चार स्टेप आपको क्लियर हो चुके हैं. इनिशियलाइज करना है, स्टॉपिंग कंडीशन के लिए 3 to 10 जाना है, इसके बाद पेयर्स के लिए 4 to 9 जाना है, इसके बाद आपको ट्रांसमिट कर देना है सारे यूनिट्स की तरफ, एंड इसके बाद अब आता है जो इंपॉर्टेंट है, ईच हिडन यूनिट जेड जे, क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर जो जेड माना है वो क्या है आपका, हिडन ले रहे हो, ठीक है. तो जेड जे, जेड की जो वैल्यू होगी 1 to p जाएगी अगर करेगी, ओके कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि 1 to p इसलिए कर दिया गया है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 to p तक जा रहा है, इसलिए जो भी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे यहाँ पर, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स न्यूरॉन्स होंगे उसके लिए देखा गया है यहाँ पर. तो जेड इन वी ओ आई जे समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई वी आई जे, ठीक है. सेम वही फॉर्मूला है, देखिए जैसे आप करते थे, कैसे करते थे, अगर इस न्यूरॉन के लिए निकालना क्या करते हैं आप, इस ये इंटू ये प्लस बायोस, राइट. तो बायोस हमारे इसके लिए क्या है, VO1 दे रखा है VO1, राइट, प्लस X1 V11, समझ गए. इस तरीके से XI VI1, फिर XN VIJ. तो इसकी तरफ जितने भी वेट्स और न्यूरॉन्स की यूनिट्स आ रही हैं वो प्लस ये जो आपका बायोस जा रहा है, ये तो करना है. देखिए आप इस तरीके से कर रहे हो ना, सेम चीज़ वही दे रखी है, ठीक है. एक बार तो देखिएगा, अगर नहीं दिक्कत आपको हो रही है तो बताइए मुझे कमेंट में, मैं आपके लिए नया लेक्चर बनाऊंगा और समझाऊंगा आपको, ठीक है. फिर इस तरीके से आपको ये कर देना है, इसके बाद क्या करना है, आपको एक्टिवेशन फंक्शन निकाल देना है. अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा समझने में, ठीक है. और अगर आपको वॉल्यूम थोड़ी तेज की, आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो आप इसे स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड स्लो कर सकते हैं. ओके सो फिर समझा देता हूँ आपको. इनिशियलाइज कर लीजिए वेट को, स्टॉपिंग कंडीशन के लिए 3 to 10, पेयर्स के लिए 4 to 9, सिग्नल्स को आपका करना है ऑल यूनिट्स तक सेंड करना है. इसके बाद जो भी आपकी हिडन लेयर है जेड जे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या, बायोस प्लस जो आपका तुम्हारा ये हो गया इनपुट्स यूनिट एंड द तुम्हारा जो उसका वेट है, करस्पॉन्डिंग नोड का जो वेट है तुम्हारा, ठीक है. इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन सेट कर देना आपको, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, यही सेम चीज़ आपको आउटपुट यूनिट के लिए भी निकालना है. देखिए ये आउटपुट यूनिट है और हिडन लेयर से चलेगी, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, y in k, क्यों, क्योंकि y in k, इसके बाद जो ये तुम्हारा उसके बायोस थे WO1, देखिए WOK, क्योंकि OK क्यों रखा है, क्योंकि एक के ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो OK से जाएगा ना, OK होते हुए, ठीक है. इसके बाद देखिए, इसके बाद समेशन ऑफ जेड इक्वल टू 1 to p, पी क्यों जाना है, क्योंकि देखिए ये जेड इक्वल टू 1 to p तक जा रहा है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड जेड जे एंड डब्ल्यू जे के, राइट. तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन सेट कर लेंगे, ये गलत रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से नहीं होगा. एक्टिवेशन फंक्शन सेम सेट करेंगे जैसे आपने ये किया था, जेड जे इक्वल टू एफ ऑफ जेड इन जे, तो आप क्या करेंगे, इसमें जेड जे था, अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, वाई के बोल देंगे, वाई के इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई इन के, राइट. इस तरीके से आप सेट कर देंगे, हो जाएगा ना. इसके बाद क्या करना है आपको, एरर को बैक प्रोपोगेट करना है. तो वो कैसे करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर YK रिसीव कर रहा है, आप टारगेट को चेक करेंगे और आपको देखेंगे एरर कितनी आ रही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा K इक्वल टू TK माइनस YK एफ ऑफ वाई इन के, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आप चेक करेंगे कितनी एरर आ रही है. फिर आप क्या करेंगे, हिडन लेयर पर जाएंगे,
अभी ये आउटपुट लेके हो गया, हिडन लेके ले जाएंगे, हिडन लेयर पे जाएंगे, फिर वहाँ सॉल्व कैलकुलेट करेंगे। किस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे डेल्टा इन जे, क्योंकि जे तक जा रहे हैं। जे क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर जे, यहाँ पर आपके आ गया ये वाली लेयर, ये हिडन लेयर, ठीक है, क्योंकि हिडन लेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तुम्हारा डेल्टा जे डब्ल्यू जे के आ गया, ये चीज ओवरऑल आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको हिडन लेयर के बाद जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एरर इन्फॉर्म करनी है, आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा जे को डेल्टा इन जे, जे क्या हिडन लेयर आ गई, फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन आ गया यहाँ पर जेड इन जे, जो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। इसके बाद अपडेट कर देना है आपको, अपडेट वेट एंड बायस कर देना है। अपडेट कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दे रखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जे के, जे क्या है हिडन लेयर, के क्या था यहाँ पर, वो आपकी आउटपुट लेयर थी, ठीक है। अपडेट कर दिया, अल्फा दे रखा होगा, लैम्डा के निकाल चुके हैं, जेड जे निकाल चुके हैं, इस तरीके से आपको रख देना है ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद जब आपने कर दिया वेट अपडेट, यहाँ वेट अपडेट हो गया, अब बायस अपडेट करने की बारी आ गई, तो अपडेट कर दीजिए डेल्टा डब्ल्यू ओ के इक्वल टू अल्फा, निकाल चुके हैं डेल्टा के, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका वेट, एंड ये हो गया आपका, अब ये बायोस आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें अपडेट कर देनी है। इसके बाद जब ये हो गया तो हिडन लेयर पे आ जाते हैं। हिडन लेयर के लिए पहले आप देख लीजिए ये चीज़ें रखी हुई है, डेल्टा वी आई जे अल्फा डेल्टा जे एक्स, ये तुम्हारा एक्स आई नहीं एन आई होगा, ठीक है, ओके। फिर आपने ये निकाल दिया, इसके बाद आपने डेल्टा वी ओ जे अल्फा डेल्टा जे निकाल चुके हैं आप, अल्फा भी पता है आपको, इस तरीके से निकाल लीजिए, बायोस निकाल दीजिए। तो आपके लिए जो आपके हिडन लेयर के लिए आ गया वो आपका वेट एंड बायोस, अपडेट कर दीजिए यहाँ से, एंड स्टॉपिंग कंडीशन चेक कर लीजिए कि जो स्टॉपिंग कंडीशन है, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। एंड ये आपका एग्जांपल है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। देखिए अब फिर समझ लेते हैं, इसको रिविजन कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो ये बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क है, कैसे बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क है, पहले फीड फॉरवर्ड जाते हैं, इसको हम चेक करते हैं, जो भी हमारी एरर आती है उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैक प्रोपोगेट जाते हैं एंड उसको अपडेट करते हैं, फिर स्टॉपिंग कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो जो ये बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क होता है एक तरीके का मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड या मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है, ये एक तरीके का मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी होता है। इसमें डिसेंट ग्रेडिएंट यूज़ करते हैं हम, इसमें एरर स्क्वायर्ड, जो भी स्क्वायर्ड एरर होती है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ये एक तरीके की सुपरवाइज लर्निंग भी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फीड फॉरवर्ड जाते हैं, बैक प्रोपोगेट जाते हैं एरर को कैलकुलेट करने के लिए, अपडेशन करते हैं, फिर जो भी स्टॉपिंग कंडीशन होती है चेक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि नॉन, जो भी तुम्हारी स्क्वायर्ड एरर होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। ये दे रखा हुआ आप चेक कर सकते हैं। नंबर वन चीज आपको करनी है अपडेट, एंड अपडेट को क्या कर देना है, स्मॉल रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दीजिए, स्टॉपिंग कंडीशन चेक कर लीजिए 3 to 10 चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद पेयर्स के लिए 4 to 9 चले जाइए, फिर आप जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन ट्रांसमिट कर दीजिए सभी यूनिट पर, फिर आप हिडन लेयर के लिए निकालिए, आप देख लीजिए हिडन लेयर्स के लिए निकाला आपने सम, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, एक्टिवेशन सेट कर दिया, एक्टिवेशन सेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, आउटपुट लेयर के लिए जाना है, आउटपुट लेयर के लिए निकाल दिया सम। इसके बाद आपको इसी के लिए क्या करना है, आपको एक्टिवेशन फंक्शन सेट करना है। इसके बाद आपको बैक प्रोपोगेट एफ एरर निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर हिडन लेयर के लिए जाना है, फिर पहले आउटपुट लेयर चले गए, फिर हिडन लेयर के चले गए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अपडेट कर दीजिए वेट एंड बायस को। देखिए इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया आपने, ओवरऑल आप जब देखेंगे तो अपडेट को कैसे करेंगे, अपडेट वेट को अपडेट कर दिया, बायस को अपडेट कर दिया, इसी तरीके से सेम यही चीज़ लगाने के बाद आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या किसके लिए किया था, आपने वो चीज़ की थी आउटपुट लेयर के लिए, अभी क्या कर रहा है हिडन लेयर के लिए कर रहा है, हिडन लेयर के लिए वेट कर दिया, हिडन लेयर के लिए बायस कर दिया। इसके बाद स्टॉपिंग कंडीशन चेक कर लेनी है, फाइनल आ गया। अगर अभी आपको दोस्तों कोई दिक्कत हो रही है इसमें, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड मैं होपफुली आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा। बहुत ही सिंपल है, सीरियसली बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा किस तरीके से सम सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल है। जिनको ये कठिन लगता है वो सीरियसली यार, आप एक बार अच्छे से वीडियो देखो, तो तीन बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आ जाएगा, गारंटी, मेरी गारंटी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज़।